यूपी का ये सिपाही नहीं बन पाया IAS, खोल दी पुलिस सर की पाठशाला। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। पुलिस का नाम सुनते ही आम हो या खास, एक बार डर जरूर जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस छवि को बदलने में जुट गए हैं। यहाँ जवान डर नहीं, बेहतर शिक्षा की गरीब बच्चों में अलख जगा रही। गोंडा जिले से एक सिपाही ड्यूटी के साथ ही समाज में पुलिस को छवि को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। सिपाही मोहम्मद जाफर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रोज एक घंटे गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं। मोहम्मद जाफर चचरी पुलिस चौकी के बगल में रोज पुलिस सर की पाठशाला एक पेड़ के नीचे चलाते हैं। यहाँ वो किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते। पुलिस सर की इस पाठशाला में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं। यहाँ एक घंटे में बच्चों को गणित, साइंस समेत लगभग सभी विषयों की क्लास करने को मिलती है। इसी पाठशाला में नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी करने वाले बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं। रोज ट्यूशन पढ़ने आने वाले 7वीं क्लास के करण और शिवानी कश्यप का कहना है कि पुलिस सर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, उन्हें इससे काफी मदद मिलती है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मोहम्मद जाफर सर की क्लास ने काफी मदद कर दी। 2 बच्चों के पिता रणवीर सिंह का कहना है कि पुलिस सर रोजाना बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये बहुत ही शानदार पहल है। सिपाही मोहम्मद जाफर का कहना है कि अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वह घूमने टहलने नहीं जाते, इसकी जगह रोज गरीब बच्चों को विद्यादान करते हैं। साइंस से ग्रेजुएशन करने वाले मोहम्मद जाफर का सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था, जो नहीं पूरा हो पाया। मोहम्मद जाफर ने IAS और IPS बनने का सपना देखा था। अब वो चाहते हैं कि मेरे पढ़ाए इन बच्चों में कोई भी अगर कामयाब हो गया तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के चचरी पुलिस चौकी के बगल में रोजाना शाम को 4 बजे पुलिस सर की ये पाठशाला चलती है।